अब आज बताना है कि क्वेश्चन है रूट टू एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये करेंगे, माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को a बाई बी या p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो रूट टू बराबर a बाई बी, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं अर्थात ए और बी का मौसप वन अर्थात ए बाई बी अपने सिंपल रूप में है। ओके, अच्छा अब दोनों तरफ का वर्ग करने पर वर्ग कर दिया तो रूट टू का वर्ग इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई वन, ए स्क्वायर बाई टू बी स्क्वायर। या टू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ कि टू, इसलिए टू ए स्क्वायर को विभाजित करता है या दो, तो दो ए को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब ए बराबर टू एम लिखा जाए जहां m एक पूर्णांक है। अब ए बराबर टू एम इसमें भरिए तो ये टू बी स्क्वायर है। अब ये क्या हो जाएगा, टू एम का स्क्वायर, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एम स्क्वायर, टू टू जाए मतलब बी स्क्वायर बराबर टू एम स्क्वायर या टू एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब यहाँ आप सिद्ध कर दिए हैं टू ए को विभाजित करता है, टू ए को विभाजित करता है। अब यहाँ क्या होगा, इसलिए टू बी स्क्वायर को विभाजित करता है अर्थात टू बी को भी विभाजित करेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, हम यहाँ माने हैं a बाई बी सह अभाज्य संख्या है, दोनों का एलसीएम मैंने किसी से कट नहीं रहा, और यहाँ प्रूफ हो गया कि ये दो से कट रहा है, ये भी दो से कट रहा है अर्थात हमारा मानना या कल्पना करना कि a और b में वन के अलावा दो या कोई और
उभयनिष्ठ गुण खंड है, ये गलत है। ठीक, अर्थात हम जो माने हैं कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, गलत है। तो इसलिए कणिमेय दो एक अपरिमेय संख्या है। इसको कई बार देखेंगे, कई बार ध्यान देंगे तो ये समझ में आएगा। अब जरा यहाँ देखिए, दिया है 3 + 2, 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या। मान लेंगे x, x को इधर लाइए, इस 3 को उधर भेजिए, √2 = x − 3। अब x − 3 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद से क्वेश्चन आपका लगभग समाप्त हो जाता है। ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसे हम √2 का चेक किए हैं ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसी प्रकार से सेम √2 के जगह पे √3 रख देंगे तो इसका भी निकल जाएगा, √5 का भी निकल जाएगा, √7 का भी निकल जाएगा। इसको आप करेंगे, यदि प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, पूछ सकते हैं। आज कमेंट करेंगे तत्काल उसका रिप्लाई, या उसका क्वेश्चन आपने पूछा उसका आंसर कल मिलेगा। और अब आगे देखें, दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। मैदान के इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, इसी मैदान के लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए एक स्थान से एक ही दिशा चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए, सोनिया और रवि एक ही स्थान से चले थे 12 मिनट और 18 मिनट, एक ही दिशा में चले हैं। 18 मिनट लग रहा है इसका, 12 मिनट लग रहा है, तो फिर भी ये कितने समय बाद मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हम निकालते हैं LCM, 12 = 2 × 4 = 12, 18 = 2 × 3 = 18। LCM दो किस में सबसे ज़्यादा है, तीन किस में सबसे ज़्यादा है, इस दो का कोई मतलब नहीं, इस तीन का कोई मतलब नहीं। 2 × 4 = 12 × 36, 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करना है ये। तो देखिए, मान लिया p/q = 3√2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे आ जाएगा p/3q = √2। अब यहाँ p/3q एक परिमेय संख्या है,
तथा रूट टू एक अपरिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू एक अपरिमेय संख्या, माने एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये भी लिख सकते हैं आप। इसलिए थ्री रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो अब आज के लिए बस इतना ही, आपका एक चैप्टर खत्म हो गया। लेसन टू कल शुरुआत करेंगे पॉलिनोमियल्स बहुपद। तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद, थैंक यू।